आपका स्वागत है। तो हम लोग सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन के ऊपर। इसमें हम न्यू कैनवास क्रिएट कर लेते हैं, तो कंट्रोल एन करके हम हमारा न्यू कैनवास क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू करके हमारी जो भी फाइल साइज हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम यहाँ पे फाइल साइज अपडेट कर देंगे। 5000 वीड ले लिए मैंने, वीड साइज सेम लिए स्क्वायर में, और रेजोल्यूशन लिया 300, और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कैनवास जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आज हम लोग सीख रहे हैं ओलका प्रिंट्स। ओलका प्रिंट्स मतलब सर्कल, कि सर्कल प्रिंट्स कैसे क्रिएट की जाती है। तो सर्कल करने के लिए देखिए, इस तरीके की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रिंट्स आती है, जिसे ओलका प्रिंट्स बोलते हैं। जैसे ड्रेसेस या शर्ट्स के ऊपर इस तरीके की प्रिंट्स होती है हमारी, या अलग अलग प्रोडक्ट्स पे भी इस तरीके की टाई वगैरह पे सब पे प्रिंट की जाती है। तो डिजाइन कैसे बनाई जाती है ओलका प्रिंट, ये हम सीखने वाले हैं। तो हमारी फोटोशॉप के ऊपर फिर से हम ओपन कर लेते हैं, ये ओपन नहीं हुआ है अभी। क्रिएट न्यू करके हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो हम इसमें दो चीज सीखेंगे, एक तो पॉलका प्रिंट, पॉलका प्रिंट अलग अलग तरीके से कैसे बनाई जाती है, और ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब एक से ज्यादा जब भी कलर को यूज किया जाता है तो ग्रेडियंट कलर्स बोला जाता है हमें। तो ग्रेडियंट पैटर्न बोल सकते हैं, ग्रेडियंट कलर्स बोल सकते हैं, ग्रेडियंट डिजाइन बोल सकते हैं। इस तरीके से ग्रेडियंट डिजाइन बनते हैं, तो मल्टी कलर्स आपको दिखेंगे। तो हम इसमें अभी के लिए लेते हैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड। तो इसमें आपको क्लियरली अलग अलग कलर दिखाएंगे, इस तरीके के बैकग्राउंड होते हैं कलर। तो इस तरीके की बहुत सारे प्रिंट्स बनाए जाते हैं। तो ये कैसे बनाया जाता है तो ये हम सीखने वाले हैं। तो फोटोशॉप हम ओपन कर लेते हैं। ऐसे कस्टम शेप्स होते हैं, तो मैं लिखता हूँ कस्टम शेप हार्ट फोटोशॉप। तो इमेजेस खोलते हैं, तो इस तरीके के अलग अलग कस्टम शेप्स होते हैं। ऐसे फोटोशॉप के अंदर ऑप्शंस आते हैं हार्ट के, तो अलग अलग शेप्स को आप लेके उनको प्रिंट डिजाइन कैसे बनाते हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन के ऊपर, और कंट्रोल न्यू करके हम इसका कैनवास ओपन कर लेते हैं। ये हमारा कैनवास ओपन हो गया। अभी हम सबसे पहले सीख रहे हैं पॉलका पैटर्न। तो पॉलका पैटर्न कैसे बनाएंगे, तो जैसे ये वाला पैटर्न मैं बनाने जा रहा हूँ, तो हम इसको पहले कॉपी इमेज कर लेते हैं और फोटोशॉप में आके पेस्ट कर लेते हैं। अब इस तरीके का ही हम बैकग्राउंड लेंगे, तो हम इसको फ्लिप करके बना लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा रेड। तो मैंने रेड कलर का बैकग्राउंड ले लिया है, और हम जो पॉलका पैटर्न बनाएंगे इसके अंदर सर्कल जो बनाएंगे वो येल्लो बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल टूल देखा था, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है एलिपेस टूल, तो एलिपेस टूल को हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दिखाएगा भी कि राउंड सर्कल में होता है, बिल्कुल सर्कल शेप में। तो इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर हमारे पास टूल बार आ जाएगी। सबसे पहले हमारा काम है इसका कलर लेना, तो हम कलर पिक करके इसका कलर ले रहे हैं हम येलो। तो हमने येलो कलर पिक कर लिया। अगर इस येलो कलर का जो सर्कल बना रहे हैं इसमें अगर हमको बॉर्डर भी चाहिए, तो हम बॉर्डर कलर भी यहाँ से लेके उसके भी वीड यहाँ से छोटी बड़ी करके डाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसका बॉर्डर कलर नहीं ले रहे हैं, हम सेम बना रहे हैं। तो शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, फिर सर्कल बनाएंगे, तो हम हमारा बिल्कुल सारे कॉर्नर जो है विड्थ और हाइट आप देख रहे हैं सेम साइज के हैं। तो इस हम एक सर्कल बना देंगे। सर्कल बनाने के जैसे हमने ड्रॉप किया, तो हमारे पास लेयर आ जाएगी सर्कल की। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसा पैटर्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी हमने सीखा था कि पैटर्न को हम डिफाइंड पैटर्न में डालते थे, तो डिफाइंड पैटर्न में डालने के लिए जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, इसकी साइज को शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद एंटर किया, अभी ये हमारे इसके जो कैनवास है इसके सेंटर में नहीं आ रहा है। कंट्रोल ए करेंगे, मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे, जिस लेयर को सेंटर्ड करना है उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऊपर हमारे पास अलाइनमेंट आ रहा है, तो पहले राइट से लेफ्ट में सेंटर में अलाइनमेंट कर देंगे, सेंटर में हो गया। टॉप और बॉटम से करेंगे तो सेंटर करेंगे, ये सेंटर्ड। फिर कंट्रोल डी करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर में एक सर्कल हो गया। इसको जब हम डिफाइन पैटर्न में सेव करते हैं तो देखिए कैसा पैटर्न बन के आएगा। डिफाइन पैटर्न, ओके किया, फिर एक न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट किया हमने, और फिर हम यहाँ से इसको पैटर्न में डालेंगे। पैटर्न में डालने के बाद 100% है, तो उसको हम 50 करेंगे। तो देखिए 50 में कैसा आ रहा है, अभी 25 में, अब 25 में कैसा आ रहा है, ओके करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, एक के साथ एक लाइन में आ रहे हैं। एक फर्स्ट वाला वाइट येलो आ रहा है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ सारे लाइन में एक जैसे आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, ये वाले लाइन में आ रहे हैं, फिर नीचे वाला जो है ये इन दोनों के सेंटर्ड में आ रहा है, तो सेंटर्ड में नहीं आया है। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, अगर एक जैसा लाइन में बनाना है, अगर कोई पैटर्न यहाँ पे लाइन में बना हुआ है, ज्यादातर पैटर्न हमारे लाइन में नहीं बने हुए, तो हमें इसे ऑफसेट बोला जाता है। ऑफसेट में बनाना है, मतलब कि ये जो फर्स्ट और सेकंड येलो आ रहा है,
तो नीचे वाली लाइन के अंदर जब येलो आएगा तो वो यहाँ सेंटर्ड में आएगा, तो इसको कैसे लेके आएंगे तो वो हमें सीखना है। तो अभी मैंने एक हमारा सर्कल बना लिया है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको वीड तो राइट थोड़ी सी छोटी कर लेंगे इसको और सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रख लिया, अब कंट्रोल जे करके हम करेंगे इसको डुप्लीकेट। तो एक और लेयर हमने बना ली है हमारे सर्कल की, तो ये डुप्लीकेट जो लेयर बनी इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको टूल को बोलते हैं ऑफसेट टूल। ऑफसेट टूल कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसको यूज करने से पहले जब भी हम इमेज साइज जो लेते हैं, जब क्रिएट कैनवास करते हैं तो 5000 बाय 5000 ली, तो हमें इक्वल लेना पड़ेगा ऑफसेट करने के लिए। अगर हम विड्थ को 5000 लेंगे और हाइट को अगर हमने यहाँ पे 7000 ली, तो हम ऑफसेट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वल में लेना पड़ेगा 5000 बाय 5000, तो इक्वल होना चाहिए इसका रेशो। अब हम इसमें ऑफसेट यूज करने के लिए क्या ऑप्शन है, हम जाएंगे फिल्टर में, फिल्टर के अंदर जाएंगे अदर के अंदर, अदर ऑप्शन में जाएंगे तो अदर में लास्ट आप देखेंगे तो आएगा ऑफसेट ऑप्शन। जैसे ही हम ऑफसेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो लेयर है इसको देखिए आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको पहले तो ये कन्वर्ट करेगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, उसके बाद ये ऑफसेट में क्रिएट करेगा। तो हम जैसे ही ओके करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए क्या हुआ, चारों कॉर्नर पे एक जो सर्कल था उसके चार भाग इसने कर दिए, चार पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है और सबको एक एक कॉर्नर पे लेके चला गया। मतलब ये जो सर्कल था हमारा, इस सर्कल को बीच में से टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट आप कट करेंगे तो चार पार्ट हो जाएंगे, तो चारों पार्ट को एक एक कॉर्नर पे डाल दिया। अब इसको हम ओके करेंगे तो ऑफसेट में हो गया। अब इसको हम जब पैटर्न में डालते हैं तो मैं ये पैटर्न डिफाइन पैटर्न में जाना है, वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है, ओके करना है। अब हम यहाँ से जाएंगे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ से पैटर्न में जाएंगे। पैटर्न में जाके जब हम इसे पहले रीचेक कर लेंगे इसकी क्वालिटी, 99 किया तो यहाँ से कहीं कट नहीं रहा है, तो हम इसे रीचेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको 50 करते हैं, अब हम इसको 25 करते हैं। अब आप देखिए पैटर्न में कितना डिफरेंस आ गया, अब ये पैटर्न ऐसा बन गया है, एक ऊपर आ रहा है, दोनों के बीच में एक बॉक्स आ रहा है, फिर दो आ रहे हैं, फिर एक वापस सर्कल आ रहा है। तो हमारा भी दो आ रहे हैं, फिर एक सर्कल आ रहा है, दो आ रहे हैं, फिर एक सर्कल आ रहा है। लेकिन इससे पहले हमने कौन सा पैटर्न बनाया था उसमें हमने ऑफसेट यूज नहीं किया था, इसलिए हम जैसे इसको ये क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, सारे एक लाइन में आ रहे हैं, या तो राइट टू लेफ्ट में बिल्कुल लाइन में सर्कल आ रहे हैं या फिर टॉप टू बॉटम में लाइन में सर्कल आ रहे हैं। लेकिन जब हमने ऑफसेट यूज कर लिया तो अब जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तब आप देखिए क्या हो रहा है, ये दो बॉक्स है, सॉरी दो सर्कल है, इसके जस्ट नीचे सेंटर में एक और सर्कल आ रहा है। तो हमने क्या किया है, इसको ऑफसेट यूज किया। ऑफसेट यूज करने से एक ही जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ये एक सर्कल था, इस सर्कल को हमने जब डुप्लीकेट किया तो उसको क्या कर दिया, उसने ऑफसेट में क्रिएट कर दिया, मतलब एक सेंटर में रहेगा, फिर उसके कॉर्नर पे बाकी जो भी सर्कल आएंगे वो कॉर्नर कॉर्नर पे आएंगे, ऐसे होके मैच होके डिजाइन बनेगी। तो इस तरीके से हम पोल्का डॉट बना सकते हैं। अब जैसे हमने ये वाला पोल्का डॉट रेडी कर लिया तो इसको हमको क्या करना है, हमें सेवेस करना है। तो सेवेस करेंगे कंट्रोल अल्टर एस, हम शॉर्टकट की दबाएंगे हमारे माउस से तो सेवेस आ जाएगा। यहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट प्रिंट इमेज बनानी है तो PNG, और यहाँ पे हम जो भी डिजाइन देंगे वो PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक सर्कल बना दिया, अब ऐसे ही हम दूसरा सर्कल बनाएंगे। तो दूसरा सर्कल बनाने के लिए अगर हमें ये सर्कल बनाना है, इसमें देखिए पहला सर्कल जो बनाया था इसमें पास पास आ रहे हैं सारे सर्कल, लेकिन दूसरे वाले के अंदर छोटे छोटे और दूर दूर सर्कल आ रहे हैं। तो हमें ये सर्कल बनाना है तो ये सर्कल कैसे बनाएंगे, इसको कॉपी करके इमेज हम पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें हमें सिर्फ कलर चेंज करना है। अब इसमें बैकग्राउंड कौन सा आ रहा है, व्हाइट, व्हाइट कलर ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर ज्यादा लेंगे इसमें। तो ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया, अब हमारा जो सर्कल था इस सर्कल को क्या करना है, हमें व्हाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिपेस टूल पे जाएंगे, ऊपर कलर जो आ रहा है यहाँ पे कलर पिकर में जाके इसका कलर ले लेंगे हम व्हाइट। तो हमने क्या कर लिया, फ्लिप कर लिया कलर, ब्लैक में बैकग्राउंड कर लिया, व्हाइट कलर का सर्कल कर लिया। अब देखिए इसमें छोटे राउंड आ रहे हैं सर्कल, तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को कंट्रोल टी करेंगे और विड्थ और हाइट को मर्ज करके इसके साइज को छोटा कर देंगे, छोटा करके इसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद में अब देखेंगे इसके अंदर भी जो हमारी डिजाइन बनी हुई है, इसको अगर आप सेलेक्ट टूल पर जाके देखेंगे तो यहाँ से जब हम सेलेक्ट करके देखते हैं तो ये ऑफसेट एरिया है, मतलब एक्चुअल जो डिजाइन बनाई गई है ये इससे बनाई गई है, ऐसा ऑफसेट बनाया गया है और बीच में एक सर्कल है, इसको यूज करके पूरा एक पैटर्न बनाया गया है। तो हम भी इसी को फॉर्मेट को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो भी सर्कल है व्हाइट कलर का, इसको कंट्रोल ए करेंगे और पहले हम इसको अलाइनमेंट कर लेंगे, राइट टू लेफ्ट पहले सेंटर कर लेंगे और
टॉप टू बॉटम हम सेंटर कर लेंगे। तो जब भी हम किसी सर्कल को छोटा करते हैं या फिर बड़ा करते हैं, इसकी साइज को कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा करते हैं, तो हमेशा हम मूव टूल पे जाके इस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करेंगे और पहले इसका अलाइनमेंट सेट करेंगे। अलाइनमेंट सेट नहीं करेंगे तो हम ऑफसेट जब कन्वर्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, तो हम कंट्रोल जे करके इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। एक और डुप्लीकेट बना दिए हमने। अब हमें सेम वही फॉर्मेट चूज करना है, फिल्टर पे जाना है, अदर पे जाना है, अदर पे जाके ऑफसेट पे जाना है। अब ऑफसेट पे जाएंगे तो हमेशा आएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इस पर जैसे क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें जब देखिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2500 बाय 2500। हम इमेज में जाके हमने देखा था इमेज साइज तो हमारी क्या थी, 5000 बाय 5000। तो हमने इसमें ऑफसेट करेंगे तब क्या करेंगे, उसकी आधी कर देंगे रेशो को, 2500 बाय 2500 करेंगे तो क्या होगा, ये कॉर्नर पे आ जाएंगे सारे। अब मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2000 कर लेता हूँ और 2000 कर लेता हूँ, तो अब ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ज्यादा पार्ट आ रहा है, इस कॉर्नर पे थोड़ा कम आ रहा है, इस कॉर्नर पे और कम आ रहा है, और बिल्कुल कम हो गया, तो ऑफसेट चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ 2500 बाय 0 तो ये क्या हो जाएगा, देखिए राइट और लेफ्ट में चला जाएगा, आधा आधा पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा, कट करके आधा आधा पार्ट राइट लेफ्ट में चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, हॉरिजेंटल वर्टिकल को 2500 कर देता हूँ, तो क्या होगा, टॉप और बॉटम पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अलग अलग तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो हम बिल्कुल ऑफसेट कॉर्नर टू कॉर्नर करना है तो 2500 बाय 2500 करेंगे, ओके करेंगे। फिर सेम प्रोसेस है, एडिट पे जाना है, डिफाइन पैटर्न पे जाना है, पैटर्न में इसे सेव करना है, एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है और यहाँ से जाके हम पैटर्न में सेलेक्ट करेंगे। पैटर्न में सेलेक्ट करने के बाद 99 पे करके एक बार रीचेक करेंगे कि यहाँ से हमारा मिसमैच तो नहीं हो रहा है, तो हमारा सही है। इसको आप 50 करके देखेंगे तो देखिए ये पैटर्न बन गया हमारा इस तरीके का। अभी वहाँ पे और छोटा पैटर्न है तो हम इसे करेंगे 25, तो 25 करके आप देखिए अब क्या हो रहा है, इसके अंदर ये पैटर्न था इसमें बड़े बड़े आ रहे थे सर्कल और गैप कम आ रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या है, छोटे सर्कल आ रहे हैं, गैप ज्यादा आ रहा है, तो हमने क्या किया है, देखिए गैप ज्यादा कर दिया, सर्कल की साइज छोटी कर दी, तो हमने इस तरीके का सिमिलर एक पैटर्न क्रिएट कर दिया। अब पैटर्न क्रिएट करके ओके किया, ओके करने के बाद कंट्रोल अल्ट सेव अपने कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा, PNG पे क्लिक किया, फाइल का नाम दिया, आपके जिस भी फोल्डर में सेव करना है वहां जाके आप सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने पर्ल का पैटर्न बना दिया है। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम सीखने वाले कि पैटर्न डिजाइन कैसे बनाएंगे, तो पर्ल का पैटर्न में इसी तरीके के हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं, 5 अलग अलग कलर इसी के बन गए, इसमें छोटी बड़ी साइज बना सकते हैं पर्ल का, कि हम ऑफसेट जो है, ऑफसेट जब भी देते हैं हम सॉरी हम तो जब भी हम पैटर्न में इसे सेव करते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना है 3 ही रेशो में इसको स्केल करना है, या तो 10 होना चाहिए या फिर 25 होना चाहिए, ताकि ये सीमलेस पैटर्न बने, यहाँ से यहाँ पे इक्वली सीमलेस रहे, या फिर 50, तो 3 रेशो के अंदर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 5 करेंगे तो 5 में भी आप सेव कर सकते हैं, बहुत छोटा पैटर्न बनाना है तो हाफ यहाँ पे सर्कल यहाँ आ रहा है, इसी का हाफ सर्कल यहाँ आ रहा है, तो हम ये 4 रेशो ले सकते हैं। इसको आपको हमेशा याद रखना है, कभी पैटर्न में हम सेव करते हैं फाइनल तब 5, 10, 25 और 50, ये 4 रेशो है, इन्हीं के अंदर हम पैटर्न को सेव करेंगे। इसके अलावा कोई भी 51 में भी सेव नहीं करना है, 50 की जगह पे 49 में भी सेव नहीं करना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है हमें, इसी तरीके से सेव करना है। तो अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम ग्रेडियंट सीखेंगे।